Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. Good afternoon, everyone. Welcome to wifistudy, changing the way of learning, India's number one online education channel, plus a part of Unacademy. तो गाइज देखिए, आज की जो क्लास आपकी होने वाली है, इसमें जैसे कि टॉपिक आपको शो हो रहा है, आज की क्लास में वायरसेस कंप्लीट करेंगे और साथ में वायरसेस के अलावा जो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं, जिसपे 1-1 marks का क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट करता है. देखो, और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें जो इतनी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वही पार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले वायरसेस के बाद बैक्टीरियोफेज जो ऑप्शन में जो आपको टॉपिक आज बताया गया है वो वाला टॉपिक करने वाले हैं. दूसरा यहाँ पे वायरॉइड्स करके एक टर्म होती है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं. और फाइनली एक लास्ट टर्म होगी जिसको लाइकेन्स करके बोला जाता है. तो ये चार टर्म आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे. उसके अलावा वायरसेस से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं वो पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और आज क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है. और जैसे आज वायरसेस का टॉपिक है तो आपकी क्विज जो होगी वो भी वायरसेस के ऊपर ही जाएगी. तो जितने भी क्वेश्चंस अगर क्लास में नहीं हो पाते हैं तो वो आपके क्विज वाले सेक्शन में डल जाते हैं. तो सेम क्लास के ऊपर बेसिस पे ही रहने वाला है ये, ठीक है. ओके राइट, अगर या टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए, वायरसेस जो है ना उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, विषाणु करके बोला जाता है, ठीक है. इस वर्ड से आपको समझ आ रहा है, विश करके ये समझ आ रहा है ना. तो एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो वर्ड है वायरस, ये एक लैटिन वर्ड होता है, ठीक है. और इस वर्ड का मतलब होता है पॉइजन. पॉइजन बोला तो यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया वाला जो पार्ट हमने किया था उसमें भी एक चीज आपको बताई थी कि जो वायरसेस होते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वायरसेस हैं चाहे बैक्टीरिया हैं, ये क्या रिलीज करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. बट जब हम बैक्टीरिया पढ़ रहे थे ना, तो एक चीज़ मैंने आपको क्लियरली बताई थी कि इनके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इनके डिसएडवांटेजेस से, मतलब ये फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाते हैं राधा देन नुकसान से. लेकिन वायरसेस के लिए अब हम ये टर्म नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वायरसेस जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो इन्फेक्शियस ही होते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं, बीमारियां ही करते हैं. तो वायरसेस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर बात करते हैं, साइंटिस्ट की बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड ये वाला पार्ट करा. अच्छा, ये बायो पे ही रहना है. वायरसेस वर्ड आप कई जगह पढ़ते हो कंप्यूटर में और उससे रिलेटेड, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उनका नाम भी वायरसेस ही रखा गया है. तो बट एनीवेज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप किसी भी सेल को आइडेंटिफाई करते हो या फिर कोई भी कोशिका है, हम उसको यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर बोलते हैं, एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय बोलते हैं. लेकिन वायरसेस के लिए क्या आएगा, नॉन सेलुलर,
ठीक है, मतलब वो सेल ही नहीं है या ए सेलुलर करके लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वायरस जो है वो सेलुलर है ही नहीं, मतलब ये सेल है ही नहीं, ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वायरसेस के बारे में जो एग्जाम में पूछी जाती है कि वायरसेस को हम किस कैटेगरी में कर सकते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, नॉन सेलुलर या फिर ए सेलुलर करके। नाउ इंपॉर्टेंट, अगर वो सेल है ही नहीं तो ना तो हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलेंगे ना उसको यूकैरियोटिक बोलेंगे, इसलिए ये वाली चीज जो है वो वायरसेस के केस में मिसिंग रहती है, राइट। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो वायरसेस होते हैं इसमें डीएनए या फिर आरएनए मौजूद होता है, और टोटल जो वायरसेस होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन, राइट, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, जो हमने डीएनए या प्रोटीन करके डीएनए आरएनए करके लिखा है, डीएनए और प्रोटीन साथ में कुछ मात्रा में इसके अंदर लिपिड्स भी मौजूद होते हैं, कुछ क्वांटिटीज में लिपिड भी मौजूद रहेगा। तो बेसिकली वायरसेस की दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ए सेलुलर होते हैं, दूसरा जो है वो डीएनए या आरएनए जो है वो कवर रहता है, ढका रहता है किस चीज से, प्रोटीन की लेयर से। नाउ इसमें आपको एक पार्ट और याद रखना है कि ये जो प्रोटीन होती है उसको प्रोटीन ना बोल के वायरसेस में उसको या तो कैप्सिड बोला जाता है, ठीक है, कैप जैसा, जैसे किसी चीज को ढकने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल करते हैं, कैप का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से डीएनए को ढकने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या बोल दिया, कैप्सिड या फिर कैप्सुमियर। एग्जाम में पूछते हैं कि प्रोटीन विच इज कवरिंग द डीएनए और आरएनए इन अ वायरस इज नोन एज व्हाट, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है, कैप्सुमियर करके याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको एक्सेप्शन के पॉइंट से पढ़नी है, जो सिर्फ और सिर्फ वायरसेस में होती हैं और कहीं पे नहीं पाई जाती हैं, तो एक चीज आप याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए किसी भी जीव जंतु में अगर मौजूद है, किसी भी पौधे में, किसी भी जानवर में मौजूद अगर रहता है, तो ये डीएनए या तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है, या तो डीएनए जो है लिपिड्स को लिपिड्स ही बोलते हैं हिंदी में। देखो जो टर्म्स आपकी इंग्लिश और हिंदी में अलग होंगी, जैसे कि वायरसेस इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में विषाणु बोलते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब जो टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में अलग होंगी वो मैं डेफिनेटली आपके लिए अलग से लिख दूंगी, लेकिन लिपिड्स है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड है, इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो प्लीज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं वो फैट की तरह होता है, इट्स अ काइंड ऑफ फैट्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे शरीर में हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वो फैट नहीं बोल के हम लिपिड की लेयर बोलते हैं, तो ये प्रोटीन वायरस जो है उसमें भी मौजूद रहता है। नाउ पार्ट इज इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है, ये डीएनए और आरएनए जिस तरीके से वायरसेस के अंदर मौजूद होता है उसको या तो हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब एकल तंतु करके इसको बोला, एकल तंतु हम इसको यहाँ पे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड अगर है तो, अदरवाइज इसको क्या, डबल स्ट्रैंडेड करके भी बोला जाता है, मतलब द्वितंतु इसको हमने बोला। तो या तो डीएनए या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, जैसे कि एड्स का वायरस होता है, एड्स के वायरस में किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, किस तरीके का अनुवांशिकी पदार्थ मौजूद होता है, तो आप याद रखिएगा कि उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है, तो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होगा। तो बेसिकली ये आपको वायरसेस के लिए याद रखने हैं, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इंपॉर्टेंट लक्षण, ठीक है। अब ये देखो ज्यादा आप इसको डिटेल, अभी आपको मैं जितना बता रही हूँ आप उतना ही समझो, अभी अगर मैं आपको डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड या लिपिड्स फॉर से उसकी डिटेल बताने लगी तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, इसलिए आज पहले वायरसेस पे फोकस करते हैं। ये जितने भी वर्ड्स आपके इस टाइम पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं आगे आने वाली कुछ क्लासेस में सब कुछ ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, तो प्लीज हैव पेशेंस और चीजों को बस समझिए, ये लर्न करना है, ठीक है। नॉन सेलुलर है, डीएनए मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है कैप्सिड फॉर्म में, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है,
ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब जरा यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इनके जरा ईयर्स को थोड़ा सा साइड में रखते हुए सिर्फ आप साइंटिस्ट के नाम पे फोकस करिएगा। सबसे पहले ये जो वर्ड वायरस है ना, या सबसे पहले कि ऐसी कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, ये लुईस पाश्चर के द्वारा बताया गया था। ठीक है, इसका ईयर नहीं कहीं पे भी मेंशन होता है, बस आपको याद रखना है सबसे पहले कोई एक ऐसा सूक्ष्म जीवी भी मौजूद होता है जिसको हम वायरस बोल सकते हैं या विषाणु जो है बोला जाता है। ये सबसे पहली बार पाश्चर, लुईस पाश्चर के द्वारा बताया गया था। नाउ सेकंड साइंटिस्ट जो आपको याद रखने हैं वो याद रखने हैं बेजरनिक। ठीक है, बेजरनिक के द्वारा दो चीजें एक्सप्लेन करी गई थी। बेजरनिक ने दो चीजें एक्सप्लेन किया, एक तो ये जो वर्ड वायरस है, शब्द ये जो वायरस है ना, ये सबसे पहली बार बेजरनिक के द्वारा बोला गया। तो वर्ड वायरस, शब्द वायरस जो है ये किसने बोला? बेजरनिक ने। और दूसरी चीज, बेजरनिक ने ये भी बोला कि वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से छोटे, दैट इज बैक्टीरियाज आर लार्जर, या फिर वायरसेस आर स्मॉलर, जो विषाणु होते हैं वो जीवाणुओं से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हमें साइज जानना चाहिए कि नहीं? तो आप साइज याद रखिएगा, जो वायरसेस का जो साइज होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर्स तक। राइट, दोबारा से सुनिए, पाश्चर ने सबसे पहले बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम पे वायरसेस भी मौजूद होते हैं, या एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बैक्टीरिया से अलग करेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज, वेजरनिक करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि वर्ड जो वायरस है उनके द्वारा कॉइन किया गया, और बैक्टीरिया जो है वो वायरस से बड़े होते हैं या वायरसेस छोटे होते हैं, और साइज जो है वायरसेस का कितना रहता है? 20 नैनोमीटर से लेके 250 नैनोमीटर। सो आई गेस आपको नैनोमीटर समझ आ ही गया होगा। 10^-9 जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नैनोमीटर्स करके टर्म किया जाता है। ये दो साइंटिस्ट याद हुए। अब जरा यहाँ तीसरे साइंटिस्ट पे आते हैं हम। तीसरे साइंटिस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी आपको ये पूछा जाए कि वायरसेस किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, पहला वायरस किसके द्वारा डिस्कवर हुआ, या हु इज नोन एज द फादर ऑफ वायरस करके आपको याद किया जाए, तो याद रखिएगा रशियन साइंटिस्ट जिनको हम डिमिट्री इवानेस्कोस करके इनका नाम लेते हैं। ठीक है, डिमिट्री अनस्कोस ने 1892, आई गेस ये जो ईयर है वो काफी सारी बुक्स में अलग होता है, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रही हूं। डिमिट्री इवानेस्कोस ने सबसे पहले टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू के अंदर जो वायरस लगता है ना, तंबाकू के पौधे के अंदर जो वायरस लगता है उसको पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से उसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, क्या कैप्सोमियर्स हैं, क्या पूरा पार्ट है, उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो डिमिट्री इवानेस्कोस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, या साइंटिस्ट का जो नाम वायरस से सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है, वो आपको इवानेस्की याद रखना है। राइट, ये सारे साइंटिस्ट आपके। नाउ इसके अलावा एक साइंटिस्ट ऐसे भी है जिन्होंने वायरॉइड को डिस्कवर किया। अब अभी हम क्या बोल रहे हैं, वायरसेस किसको कहा जाता है? जो ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, ए सेलुलर का मतलब एक चीज और भी याद रखिएगा, इनकी रिप्रोडक्शन से भी आपको याद रखना है कि जो वायरसेस होते हैं उनका जो प्रजनन प्रक्रिया होता है वो थोड़ी सी अलग होती है। अगर उनको अपने आप को मल्टीप्लाई करना है तो उनको किसी ना किसी होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी, या किसी ऐसे शरीर की जरूरत पड़ेगी, या किसी भी ऐसी कोशिका की जरूरत पड़ेगी जहां पे जाके वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं। ये वो बाहर रह के नहीं कर सकते, इसीलिए क्या बोलते हैं, एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, आप सबने वो स्टेटमेंट सुना होगा लेकिन दोबारा से याद रखिए, वायरसेस आर टर्म्ड एज व्हाट? डेड। वायरसेस मरे हुए घोषित किए जाते हैं, या वायरसेस को हम मृत जीवी बोलते हैं, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जब तक कि वो एनवायरमेंट में मौजूद है, यानी कि आपके जब तक वो वातावरण में मौजूद है तब तक वो डेड बोले जाते हैं, मरे हुए बोले जाते हैं। लेकिन वंस अ वायरस गेट इनसाइड अ बॉडी, जैसे ही कोई विषाणु किसी भी शरीर में प्रवेश कर लेता है और अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको वायरसेस के लिए याद करना है, और इसीलिए वायरसेस को बोला जाता है क्या? लिंक बिटवीन
लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पौधों के बीच में और जो पौधे और जानवर होते हैं उनके बीच का जो लिंक है उसको क्या बोलते हैं, युगलीना करके टर्म किया जाता है। अब यहीं पे दूसरी चीज है, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके ना मैं आपको पूरा एक सीरीज यहाँ पे करेंगे। फ्राइडे को आपकी जो क्लास होगी वो क्या रहेगी, फ्राइडे को पूरा हफ्ते का रिविजन करने वाले हैं, जितनी भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी है उसके क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, तो जरा उस हिसाब से याद रखिएगा। दो पॉइंट्स आपने ऐसे कर लिए हैं जिसमें पहला पॉइंट क्या था कि युगलीना को हम क्या बोलते हैं, युगलीना जो है वो पौधे और जानवर, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोले जाते हैं। जबकि अगर हम वायरसेस के लिए बोलते हैं तो वायरसेस क्या होते हैं, दे आर द लिंक बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग, यानी कि जीवित चीजों के बीच में और अजीवित चीजों के बीच में, या जैसे कि जो मरी हुई चीजें होती हैं या लिविंग नहीं बोलते हैं उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक करके टर्म किया जाता है। राइट, इतना चीज समझ आया। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट एक बार आप स्ट्रक्चर देखे। अब यहाँ पे हाँ एक चीज और, बैक्टीरियोफेज को कंप्लीट करते हैं अभी, टिल देन पहले वायरॉइड्स की डेफिनेशन देखे। वायरसेस क्लियर है, वायरसेस में कोई भी डीएनए आरएनए होगा वो प्रोटीन से कवर होगा जिसको हम कैप्सोमियर बोलेंगे। लेकिन अगर वायरॉइड बोला है कोई भी चीज, देखो एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवॉइड करके एक इंग्लिश वर्ड होता है। डिवॉइड का मतलब क्या, की कमी है ना, किसी चीज की कमी, डिवॉइड ऑफ वाटर, डिवॉइड ऑफ एरिया, कुछ भी बोला तो मतलब किसी चीज की कमी। उसी तरीके से वायरॉइड क्या हो जाएगा, वायरॉइड हम टर्म करते हैं कि कोई भी ऐसा जेनेटिक मटीरियल या कोई भी ऐसा वायरस जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, और प्रोटीन की कमी का मतलब उसके अंदर कैप्सोमियर नहीं मौजूद होगा, ठीक है, उसके अंदर कैप्सोमियर या कैप्सिड या प्रोटीन या ढक्कन या कैप जो है वो मौजूद नहीं होगी, तो उसको कमी हो गई किस चीज की, प्रोटीन की, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको वायरॉइड करके टर्म किया जाता है। और साइंटिस्ट आप याद रखोगे टीओडाइनर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट साइनस, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, डिमिट्री इवानस्की से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो वायरॉइड्स के पूछे जाते हैं, वायरॉइड्स के साइंटिस्ट के बारे में आपको पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा 1971 में टीओडाइनर ने वायरॉइड नाम की चीज डिस्कवर किया, और उन्होंने इस चीज को ये बोला कि ऐसा कोई भी विषाणु या ऐसा कोई भी जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर प्रोटीन की कमी हो उसको हम क्या बोलेंगे, वायरॉइड्स करके उसको नाम देंगे हम। राइट, तो एक बार आप स्ट्रक्चर देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये नहीं दूसरा फुल वाला, फुल स्क्रीन, ओके राइट, आपकी स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। इसमें पहले जो है वो टीएमवी है जिसको हम तंबाकू के लिए बोलते हैं, टबैको मोज़ेक वायरस करके टर्म किया जाता है। नाउ ये जो टबैको मोज़ेक वायरस है ना पहले वाला, इसके अंदर लाल सी आपको कॉइल दिखाई दे रही है, ये आरएनए है, ठीक है, और बाहर जो ऐसे पत्ते पत्ते जैसे दिखाई दे रहे हैं ये कैप्सिड या कैप्सोमियर है, तो ये वायरस हो गया, ठीक है। उधर ही दूसरी साइड पे जो एवेंजर का कोई आपका ये ऐसे लग रहा है कुछ एनिमी टाइप, ये T4 होता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसके जो हेड पार्ट है ना उसके अंदर डीएनए रखा हुआ है, तो साइज आपको समझ आ रहा है, शेप समझ आ रही है। वायरसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग शेप के होते हैं, वायरसेस जो है स्पाइरल, हटा दो, वायरसेस जो है वो स्पाइरल भी हो सकते हैं जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। शेप्स के हिसाब से अगर आप वायरसेस को डिस्क्राइब करने लगोगे तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस का कैसा स्ट्रक्चर है, आरएनए है, ठीक है, ये और इसके उसको ढकने के लिए या आरएनए को ना प्रोटेक्शन देने के लिए या आरएनए को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो प्रोटीन है वो इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे लग गई है ना, तो वो क्या लग रहा है, एक स्पाइरल जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, स्पाइरल स्ट्रक्चर। उधर ही आपने T4 देखा, T4 स्ट्रक्चर जो है जैसे मैंने आपको बोला किसी एवेंजर हीरो का, वो एवेंजर मूवीज का कोई सोलो विलन टाइप दिखाई दे रहा है, वो है ना, ऐसी मूवीज होते हैं ना आपके एवेंजर्स वगैरह में, तो ये इसमें हेड पार्ट है, ठीक है। हेड पार्ट कौन सा, ये पूरा पार्ट, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है जो मैं सर्कल करी हूँ यहाँ पे या ड्रॉ करी हूँ ये वाला पूरा पार्ट, इसको प्रोटीन या कैप्सिड करके बोला। फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे ख्याल कैप्सिड और कैप्सोमियर अभी तक समझ आ गए होंगे ना। और इसके अंदर ये डीएनए जो पार्ट है ना वो कहाँ पे मौजूद होता है,
इसके अंदर, इधर में ये मौजूद होता है। तो इनकी वायरसेस की शेप जो है वो कैसी भी हो सकती है, मतलब स्पाइरल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है, हेक्सागोनल टाइप भी हो सकता है, या फिर T4, इसको T4 बोलते हैं, राइट। इन टर्म, इन अदर टर्म इसको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। नाउ इस वर्ड को समझने का थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश करना। देखो बैक्टीरियोफेज, वायरस एक वायरस है जिसको हमने नाम क्या दे दिया, बैक्टीरियोफेज। तो मतलब इस वर्ड का कुछ मतलब होगा, आगे से आप याद रखिएगा। ये जो वर्ड है ना, ये हम आगे बहुत बार इस्तेमाल करने वाले हैं। फेज वर्ड का मतलब होता है खाना किसी चीज को, टू ईट, राइट। फेज वर्ड का मतलब क्या, टू ईट, या फिर किसी चीज को खाना। अब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई भी सूक्ष्म जीवी जो बैक्टीरिया को ही खा जाती है। अब हमने इससे पहले एक चीज और भी सुनी थी कि बेजरनिक के हिसाब से, मतलब बेजरनिक ने बोला कि बैक्टीरियाज आर लार्जर देन दी वायरस, इनफैक्ट 100 टाइम उनके साइज में डिफरेंसेस होते हैं। जब बैक्टीरिया का साइज पढ़ा था तो हमने माइक्रोमीटर्स न्यू मीटर्स पढ़ा था, और जब हम यहाँ पे वायरसेस के लिए बात करें तो वायरसेस का नैनोमीटर में हम बात करें, मतलब बहुत ज्यादा छोटे, राइट। अब ये बैक्टीरियोफेज होता क्या है, या एक एक बस आप दो मिनट लगा के ना एक चीज समझने की ध्यान से कोशिश करना, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा कि इन्फेक्शन कैसे होता है। नाउ बेसिकली ये जितने भी विषाणु या वायरसेस होते हैं, इनका इन्फेक्शन करने का तरीका क्या होता है, इनको क्या करना है, इनके इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है हमें, इनकी इस पार्ट से शीथ से कोई मतलब नहीं है, इनकी बेसल प्लेट से हमें कोई मतलब नहीं है, और इनके टेल फाइबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब इस वायरस को बेसिकली क्या करना है, अगर इसको किसी भी एक्स वाई जेड चीज को ना बीमारी करनी है, इसको डिजीज करना है, तो उसको क्या, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कोशिका है जिसकी हम बात करें, कोई भी सेल है, अगर इस वायरस को, इस सेल को इन्फेक्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डीएनए कंटेंट है ना वो इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये डीएनए कंटेंट अपना डाल देता है तो जो काम उसे करना है वो हो जाएगा। आई होप इस चीज को आप समझने की कोशिश करोगे, कोई भी एग्जांपल आप सोचो लेकिन ये चीज को आप समझने की कोशिश करो बस। अब ये वायरस ये सेल है, बहुत छोटा है ये, इनफैक्ट मतलब आपको दिखाई दे रहा हो इतना मैं छोटा बना रही हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है, इस सेल के ऊपर आके बैठ गया। अब इसको क्या करना है कि इसका जो डीएनए है ना उसको इसको अंदर में छोड़ना है, तो ये जो इसका पार्ट है ना, ये जो इसकी पूरी लेयर है, इसमें से इसको ऐसे करके नीचे निकाल के उसको डालेगा और इस सेल के अंदर छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे जो डीएनए है उधर से जाएगा और ऐसे करके डीएनए यहाँ पे चला जाएगा, काम हो गया। अब ये यहां से हट जाएगा या फिर ये अपनी बॉडी को तोड़ देगा, मतलब प्रोटीन अलग और हर चीज अलग, वो चीज खराब हो जाएगी, खत्म बात। अब ये डीएनए जो अंदर गया है, इसको एंजाइम्स मिलेंगे सेल के अंदर से, प्रोटीन बतेरा है, प्रोटीन बहुत सारा सेल्स के अंदर पड़ा ही रहता है, प्रोटीन को उठाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के अंदर है, किसी जीवित जीवधारी के अंदर मौजूद है, आराम से मल्टीप्लाई कर पाएगा, क्योंकि ये किसी शरीर में चला गया ना, किसी होस्ट बॉडी में है, उसको मल्टीप्लाई करेगा, इस सेल को बस्ट करेगा, तोड़ेगा और यहाँ से बाहर निकल के जाएगा और बाकी का जो पूरा बॉडी है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसी को, इसी चीज को, इसी पूरी चीज को मैं एड्स के साथ यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ। एड्स, एड्स क्या होता है, एडिनोस, ये एड्स के लिए हम टर्म क्या करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, होती किससे है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, राइट। दूसरा पोलियो किससे होता है, मिक्सो वायरस से होता है, ठीक है, मिक्सो वायरस। तो एड्स में जो भी एड्स जो वायरस कॉज कर रहा है, एचआईवी कर रहा है, ऐसा ये पूरा वायरस है जिसके अंदर आरएनए रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। किसी भी ह्यूमंस में ये एंटर करा, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, उसके सेल में गया, राइट, और ये जो आरएनए है ना उसको, आरएनए को इसमें अंदर में यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है, आरएनए को अंदर छोड़ा, मल्टीप्लाई करा, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। ये तरीका होता है किसी भी वायरस के स्प्रेड होने का, पोलियो वायरस, मिक्सो वायरस शरीर में एक बार पहुंच गया, इम्यूनिटी को बुरी तरीके से खराब करेगा। बैक्टीरिया जो है ना वो इम्यूनिटी को
बाद में हम पहुंचाते हैं, पहले जिस ऑर्गन के लिए पहुंचते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी पहुंचाए, तो पहले लंग्स को खराब करेंगे उसके बाद दूसरे ऑर्गन्स पे जाएंगे। लेकिन वायरसेस ज्यादा खतरनाक होते हैं, रीजन क्योंकि ये सबसे ज्यादा सबसे पहले जाके किस चीज पे अटैक करते हैं, जाके सीधा सीधा अटैक कर देते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी किससे आ रही है? WBC से, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल से आती है। तो वायरसेस का काम देखिए फोकस कितने हैं, बॉडी में एंटर करते हुए कहीं पे कुछ ध्यान नहीं दिया, सीधा जाके WBCs को खराब करना शुरू कर दिया। आपकी इम्यूनिटी खत्म तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, एवरीथिंग नाउ विल बी डन बाय वायरसेस। तो ये बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट होता है। बॉडी में आते कैसे हैं? तो बॉडी आप याद रखिएगा कि आप सांस लेते हो, गंदा खाना खाते हो, जंक फूड खाते हो, बाहर का कुछ भी खाते हो, एनवायरमेंट में मौजूद है, ठीक है, आपके वातावरण में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है, मिलियंस ऑफ वायरसेस मौजूद है, और हर सेकेंड आपके बॉडी में कम से कम 1 बिलियन बैक्टीरिया और वायरस एंटर करते हैं। अभी आप सांस लोगे ना तो आपकी सांस के साथ भी वायरसेस और बैक्टीरिया जाएंगे। लेकिन आपका WBC जो है, आपका इम्यूनिटी, आपकी प्रतिरक्षा जो है ना आपके शरीर की, वो कंटिन्यूअसली इस चीज के साथ फाइट करती है। कभी कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस पहुंच गया जो ढीट टाइप का है, वो उस पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा आपकी इम्यूनिटी का, तो वो अपने जेनेटिक मटीरियल को मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देता है। WBCs होते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, सफेद रुधिर कणिकाएं, जो आपके शरीर को इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा कराने का काम करती है। बीमारियां हम पढ़ते हैं, नेम आप वायरसेस की बीमारियों के आप नाम लेना शुरू करो, एंडलेस लिस्ट है, पोलियो, एड्स, कॉमन कोल्ड, बम्स, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रोवेला वायरस, ठीक है, पूरा पार्ट है यहाँ पे, वार्ट्स हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर हो गया, ब्रेन फीवर हो गया, इबोला वायरस, स्वाइन फ्लू, आप सुन रहे हो अभी, इबोला वायरस, जीका वायरस, स्वाइन फ्लू, ये सब कुछ किससे हो रहा है? वायरसेस से हो रहा है, जब ये हमारी बॉडी पे आके हावी हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल इतनी चीज़ आपको समझ आई है ना, इतनी चीज़ समझ आई। देखो ये आपके इट डिपेंड्स ऑन टोटली योर इम्यूनिटी, इसीलिए बोला जाता है कि रादर देन जंक फूड आप थोड़ा हेल्दी खाना खाओगे तो आप अपने शरीर में बैक्टीरिया को पनपने से रोकोगे। देखो एक चीज होती है, आपने सुनी होगी कई बार, एक वर्ड होता है जिसके लिए हम टर्म करते हैं कि मतलब एक लाइन होती है जो स्पेसिफिकली आपके घर में आपके पेरेंट्स बोलते होंगे, जो चीज जीभ को स्वाद देना वो हेल्थ के लिए खराब होती है। छोले भटूरे है ना, स्वाद तो बड़े देते हैं, हेल्थ खराब करती है। जो चीज़ जीभ को स्वाद ना देना, मतलब अच्छी ना लगे ज़्यादा खाने में, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होती है, राइट? तो ट्राई टू अवॉइड दीज जंक फूड, क्योंकि कभी एक बार इम्यूनिटी, हाँ इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि एक बार गाड़ी ठुक जाती है ना, तो उसके बाद आप गाड़ी को कितना भी रिपेयर कराते रहो, कभी उस कंडीशन में नहीं आ पाती जैसी वो ओरिजिनल कंडीशन में थी, ठीक है? उसी तरीके से आपकी बॉडी, आप कितना भी अपनी बॉडी को ठीक करके रखते रहो, एक बार अगर आपके शरीर में टाइफॉइड या जॉन्डिस या हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, पूरे लाइफ टाइम के लिए आपका वो ऑर्गन काम करने से मना कर देता है या धक्का मार के काम करता है, एफर्ट्स आपको ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ना वन थिंग, एक बार ये चीज़ समझ आ गई, वायरसेस वगैरह से रिलेटेड समझ आ गया, आई गेस आपको इसके लिए इतना ही पार्ट जो है वो स्टार्ट करना है, मतलब इतना ही पार्ट जो है वो कवर करना है। बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर इसमें होगा तो क्वेश्चंस में कवर कर देंगे, ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि किस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है डिजीज से रिलेटेड। एक बार ये लाइकेंस और ध्यान में दीजिए, लाइकेंस लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का आपका। देखिए लाइकेंस वर्ड जो है एग्जाम्स में दो पर्पस के लिए पूछा जाता है, जो दो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहले तो लाइकेंस जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन को बोलते हैं, या सहयोजी, जैसे कि कोई भी चीज है, पारस्परिक संबंध जिसको बोलते हैं, म्यूचुअल रिलेशन जिसको बोलते हैं। लाइकेंस किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जहां पे एल्गी और फंजाई, यानी कि शैवाल और कवक दोनों, लाइकेंस को लाइकेंस ही बोला जाता है हिंदी में भी, ठीक है, जहां पे एल्गी और फंजाई या फिर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं। हेल्प कैसे रखते हैं मैं आपको बता दूं,
एल्गी जो है ये फंगस को क्या प्रोवाइड करती है? खाना. ठीक है, तो एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड कर रही है, खाना दे रही है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है. फंगस जो आता है इन टर्न उसको रहने की जगह दे रहा है क्योंकि इसके पास माइसीलियम या हाइफे होते हैं. तो ये खाना दे रहा है, ये रहने के लिए यहाँ पे इसको जगह दे रहा है. तो बेसिकली क्या हो गया? म्यूचुअल रिलेशनशिप. इस पूरी पार्ट में ये याद रखना है, लाइकेंस जो है ये पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं. किसी भी तरीके से अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, अब यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको क्लियरली थोड़ा सा मेंशन करूँगी, समझने की कोशिश करना. अगर आपके वातावरण में किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट में सल्फर, NO2, CO2, इनमें से किसी भी चीज़ का पॉल्यूशन स्तर बढ़ रहा है, SO2 का लेवल बढ़ रहा है, NO2 का लेवल बढ़ रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है, तो ये लाइकेंस जो है ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, एल्गी के लिए और फंजाई के लिए ये भी याद रखना है आपको कि एल्गी को जो है वो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फाइकोबाइंड्स और माइकोबाइंड्स करके टर्म किया जाता है. एल्गी जो होती है वो फाइकोबाइंड और फंजाई जो है वो माइकोबाइंड करके हम इसको टर्म करते हैं. फंजाई को माइकोलॉजी भी बोला जाता है. अब ये याद रखिएगा, लेवल बढ़ा मतलब जितना प्रदूषण का स्तर ज़्यादा होगा एल्गी खत्म होना शुरू हो जाएगी. दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे पोल्यूशन स्तर जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एनवायरनमेंट बचा ही नहीं है, बिल्कुल एनवायरनमेंट खत्म है. शुद्ध हवा क्या होती है दिल्ली वालों को नहीं पता. तो ये SO2, NO2 और CO2 का लेवल बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, लाइकेंस नहीं मिलते. वहीं पे मनाली और ये जो ठंडी जगहें होती हैं यहाँ पे अभी टेम्परेचर ठीक है तो लाइकेंस ग्रो करने लगते हैं, राइट. ये चीज़ आप याद रखिएगा. और इसकी बिल्कुल अपोजिट टर्म, अगर SO2, NO2 की तरह किसी भी चीज़ का अमाउंट बढ़ेगा तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम. और इकोसिस्टम में ये टर्म मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर प्रदूषण बढ़ा तो लाइकेंस घटेंगे, ठीक है, इनका नंबर घटेगा. लेकिन एल्गल ब्लूम के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर इनका प्रदूषण बढ़ेगा, SO2 NO2 बढ़ेगा तो एल्गल ब्लूम भी बढ़ता है. काई जो होती है वो गंदगी में ज़्यादा ग्रो करती है, ठीक है, ओके, राइट. तो मेरे ख्याल बायो के लिए ये वायरसेस आपके JEE के एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है ना. बाकी क्वेश्चंस में जो चीज़ें रह गई है, आज की क्विज आप ज़रूर अटेंड करेगा. टोटल जो है वो वायरस के ऊपर क्विज है. फ्राइडे को कल आपका टॉपिक जो है वो प्लांट किंगडम रहेगा. ट्राई करेंगे कि इसको कल ही ख़त्म कर लें ताकि फ्राइडे को पूरे सेशन जो अभी तक हुए हैं उसके क्वेश्चंस और आपकी एक रिवीजन हो जाए, ठीक है. यहाँ पे सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा और जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा. देखो अभी चाहे आपको कुछ भी लगे, टर्मिनोलॉजीज हैं कैसे भी हैं, हो सकता है एक दो चीज़ जगह आपको लग रहा हो कि ये नहीं मतलब का है और ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे और ये रिकॉर्ड है, ALP CVT 1 ग्रुप डी, SI कांस्टेबल, IB का पेपर हो, CPO का पेपर हो, कोई भी पेपर होता है, 90% क्वेश्चंस वही होते हैं जो एग्ज़ाम में या क्लास में कवर हो जाते हैं. तो रिलैक्स रहिए, टेंशन नहीं लीजिए, एग्ज़ाम आने तक आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, मतलब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. और पास होने के लिए तो 70% भी हो जाते हैं ना पास, मैं आपको 90% कराऊंगी. तो चीज़ें करते हैं, कल जो है प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप वायरसेस, बैक्टीरियाज जो सारी चीज़ें हैं उनको रिवाइज करिए, ठीक है, ओके, राइट. इतना बहुत है, इससे ज़्यादा वायरसेस नहीं पढ़ने हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है. बाकी अब आपकी नेक्स्ट क्लास है कल वापस 12 बजे, प्लांट किंगडम के साथ यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके, राइट. टाइम बढ़ा देंगे, टाइम देखो, टाइम जैसे ही अवेलेबल होगा आप लोग के लिए बढ़ा देंगे. इस चीज़ की आप लोग टेंशन मत लो क्योंकि कितना जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, फटाफट कराना पड़ता है, क्वेश्चंस भी रह जाते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको खुद को है. तो जल्दी से आप लोग के लिए टाइम इंक्रीज होगा, डोंट वरी अबाउट इट, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है. तो आज के लिए इसको फिनिश करते हैं. सेशन को आपको लाइक भी करना है, ठीक है, लाइक भी करना होता है सेशन, आके और क्लास देख के नहीं जाना होता है, लाइक भी करना होता है, साथ में लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे. और एक चीज़ और, RRB JEE और बाकी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनके लिए डिटेल्ड क्लास जो है, जैसे यहाँ पे बायो चल रही है तो जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, जो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, वहाँ पे
केमिस्ट्री डिटेल में स्टार्ट कराएंगे, तो जल्दी से एक दो दिन के बाद ही उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का आप लीजिएगा, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड, मतलब वाईफाई स्टडी रेफरल कोड इस्तेमाल करते हो, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टाइम इंक्रीज हो जाएगा, अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे भी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है, तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एक से डेढ़ महीने में आपका पूरा सिलेबस साइंस का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।